हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आज ही हूँ मैं एक और नया वीडियो लेकर। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में जो लाया हूँ वो BSc सेकेंड ईयर से संबंधित है, द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में बताऊँगा ये किस प्रकार से डिफाइंड होता है, कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा, कुछ प्रॉपर्टी बताऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब इसको डिफाइंड किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं ये किस प्रकार से डिफाइंड होता है। ये फंक्शन लिख लें, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये फंक्शन डिफाइंड वाई किस प्रकार से डिफाइंड होता है, लाप्लास एफ ऑफ टी। इसको एफ ऑफ पी कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका लाप्लास निकालेंगे वो पी के रूप में आता है, तो इसका लाप्लास एफ ऑफ पी 0 से इन्फिनिटी लिमिट होती है ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ पी डी टी। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया इस प्रकार से ये डिफाइंड होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे लीनियरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ एल टी। इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एल टी लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको डेफिनेशन इसकी। यदि देखें ये डिफाइंड किस प्रकार से, लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात क्या लिखेंगे, लाप्लास ए वन एफ वन टी वन ए टू एफ टू टी। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार से यदि दिया होगा तो इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं, लाप्लास एफ वन टी, ए टू कॉन्स्टेंट है तो ए टू एफ ओ लाप्लास है इधर पे एफ ऑफ टी। ठीक फ्रेंड्स, इतना आ गया। ये अपन जितनी है इस प्रकार से ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ देखेंगे तो वी नो डैट अभी बताया कि ये डिफाइंड कैसा होता है वाई डेफिनेशन ऑफ एल टी क्या होती है, लाप्लास एफ ऑफ टी एफ ऑफ पी 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस का पी टी एफ ऑफ पी डी टी। तो फ्रेंड्स ये होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसका ये पद ले लेंगे एल एच एस, टेक कर लेंगे लाप्लास ए वन एफ वन टी ए टू एफ ऑफ टू सफेक्स में टी, ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे, इसमें डेफिनेशन इसकी खोल देंगे 0 से इन्फिनिटी और फिर e टू दी पावर माइनस का पी टी। फिर क्या है, ये फंक्शन एफ ऑफ टी इतना है, यहाँ पर लिख देंगे ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू ऑफ टी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी। अब इसको और आगे देखेंगे तो अलग समाकलन में ये गुणा की प्रॉपर्टी होती है अलग अलग करने की, तो वो लगा देंगे। ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएंगे, ए वन इंटीग्रेशन 0 से e टू द पावर माइनस पी टी डी टी, ये छूट गया एफ वन ऑफ टी प्लस ए टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ टू ऑफ टी डी टी। तो फ्रेंड्स इतना आ गया। आप देख रहे हैं कि जी वैसे ही बन गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए वन
लाप्लास, ये लाप्लास का फॉर्मूला बन गया, काय का बन गया जी, एफ वन ऑफ टी, ये हो गया। इसी प्रकार ये ए टू लाप्लास एफ टू ऑफ टी, तो ये होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स इसमें ये ध्यान रखना जाता है, लाप्लास जब भी लगाते हैं तो यही कोष्टक लगाया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। चलो तो अब देखते हैं इसके सवाल कैसे हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, एक सिंपल सा सवाल ले रहा हूँ, इसमें यदि यह फंक्शन का मान 1 दे दिया, इसका पूछे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसे हल करने के लिए कहे तो किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिख देंगे, लाप्लास एफ ऑफ टी डिफाइंड किस प्रकार होता है वो लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी डी टी, ये एफ ऑफ टी और होता है एफ ऑफ टी, इतना होता है। अब इसमें लाप एफ ऑफ टी का मान दे दिया है तो क्या दिया है, 1 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी 1 इंटू डी टी, एफ ऑफ टी का मान रख दिया। अब इसे हल करेंगे, हल करेंगे तो इसका समाकलन क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस पी टी, जितना ये गुणांक होता है वो बटे में पहुंच जाता है, तो ये 0 से लिमिट रख देंगे, 0 से इन्फिनिटी लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी, ये हो गया लाप्लास 1 का फॉर्मूला, ठीक ठीक पर जी सिंपल सा था। अब यदि टी की पावर एन का इन जनरल ले लें, इन जनरल यदि एफ ऑफ टी बराबर टी की पावर एन दिया हो, इसे हल कर कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। लाप्लास टी की पावर एन, क्या फॉर्मूला होता है वही लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी, और टी की पावर फंक्शन का मान क्या है, टी की पावर एन डी टी, ठीक। अब इसे देखेंगे, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस का पी टी, इसका समाकलन अपन इंटर में हल किए होंगे, किस प्रकार से करती हैं, गामा फंक्शन बनाएंगे, गामा फंक्शन में क्या बनता है एन माइनस वन के रूप में, तो इसे क्या लिख देंगे, एन प्लस वन माइनस वन, ऐसी दो बार ऐसे कर लेंगे। इंटर में हल कर चुके हैं गामा फंक्शन टी की पावर, तो यदि वैसे लिखेंगे तो एन प्लस वन माइनस वन डी टी। अब देखें गामा फंक्शन होता क्या है, y गामा फंक्शन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी लिमिट दी गई हो e टी पावर x, मान लिया दिया है x से पावर n माइनस वन डी एक्स, तब ये कैसे होता है, गामा n डिवाइड में a टू दी पावर n, ये होता है। तो सेम यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी है तो इधर पे सीधे सीधे देखेंगे ये क्या हो गया, गामा इधर पे एन की वैल्यू क्या है, एन प्लस वन, यहाँ पे ये थी, यहाँ पे एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन डिवाइड में ए की पावर एन, यहाँ पर इसमें ये यहाँ पे था, यहाँ पर गया है, ये पी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी की पावर यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ एन का मान क्या है, एन प्लस वन, तो इधर भी क्या लिख देंगे, एन प्लस वन, ठीक फ्रेंड्स। ये होता है गामा फंक्शन, तो इसका हल क्या निकला, क्या है गामा टी की पावर एन बराबर ये, यदि इसका गामा हटा दिया जाए टी की पावर एन, तो गामा हटाएंगे तो फैक्टोरियल एन डिवाइड में पी की पावर एन प्लस वन, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है गामा एन प्लस वन बराबर फैक्टोरियल एन, ठीक। तो फ्रेंड्स मैं एक और सवाल हल करके बता दे रहा हूँ कैसे, और यदि ना समझ में आया हो तो, अब यदि एफ ऑफ टी का मान ई टू दी पावर ए टी दिया हो, ठीक फ्रेंड्स, इतना दिया हो, तब इसका क्या होता है, लाप्लास ये इसका हल निकालना है तो क्या निकलेगा, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी
ई फंक्शन का मान क्या, ई टी डी टी, इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इसे घात की वैसे लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस पी टी डी टी। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो ई टू दी पावर ए माइनस पी डी टी डिवाइड में गुणांक किस नीचे आ जाएगा, ए माइनस पी 0 से इन्फिनिटी लिमिट, लिमिट रख देंगे तो ई टू दी पावर ए माइनस पी इंटू इन्फिनिटी ए माइनस पी माइनस। अब इसको देखेंगे, इसको यहाँ पर लिमिट रखेंगे, ई टू दी पावर 0 हो जाएगा इधर पे, ए माइनस पी हो जाएगा, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस ये जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो 1/p माइनस 1 हो जाएगा, इधर प्लस क्या ऊपर आ गया p माइनस ए टू दी पावर at, ये हो गया, इतना हो गया। अब आप इस सवाल में कहेंगे कि e की पावर यहाँ पे अनंत बनेगा, तो यहाँ पर अनंत क्यों नहीं आया, अनंत इसलिए नहीं है क्योंकि ये p होता है वो माइनस में इधर कॉमन करके लिया जाए तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, कैसे देखो, e टू दी पावर हमने यहाँ पे a माइनस पी लिख दिया ऐसे, तो ऐसा नहीं लिखते इसके, इसको कैसे e पावर माइनस ही लिखा रहते p माइनस ए के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक फ्रेंड्स, ये होता है ऐसे, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। ठीक, अब दूसरा एक और बता दे रहा हूँ, ये लिख लिया है, इसे हल करके देखते हैं कैसे लगता है, तो क्या आएगा, लाप्लास साइन ऑफ ए टी, इसका देखना है, ये यहाँ पर ए का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वैसे जितना होते जाएंगे वैसे सवाल बनते जाएंगे, ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी का मान क्या है, साइन ए टी डी टी, ऐसे हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं, इसे फर्स्ट कह देंगे, अब इसका फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या जानते हैं, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो क्या होता है, ए टू दी पावर ए एक्स जो कहते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स, ये होता है, लिमिट क्या है इधर पे 0 से इन्फिनिटी, ये होता है। अब इसकी कंपेयरिंग करा देंगे, कंपेयरिंग करा देंगे तो ए के स्थान पर क्या है माइनस का बी, और बी के स्थान पर क्या है ए है, तो पुट कर देंगे तो लाप्लास साइन ऑफ ए टी, साइन ऑफ ए टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे ई टू दी पावर माइनस का पी टी, इधर पे ई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस का पी साइन ए टी माइनस का ए कॉस ए टी, लिमिट रख देंगे 0 से इन्फिनिटी, ठीक से इतना आ जाएगा, इतना आने के पश्चात क्या करेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे 0 का हिसाब रख देख लेना जितना भी आएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का पी गुणे 0 जी ए इंटू 1, ये इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या, जिसका मान 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये लाप्लास साइन ऑफ ए टी, तो ये ही हो गया। तो फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला होता है, वो यदि कॉज में दिया हो, यदि एफ ऑफ टी बराबर कॉज ए टी, देन तब इसे कैसे लगते हैं, सिमिलरली लगा लेंगे इसे, आप घर पर आप जरूर लगाना, मैं यहाँ पर सिमिलरली लिख दिए दे रहा हूँ, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस का पी टी
कॉज ए टी डी टी, ये किसके बराबर होता है ये देख लीजिए। लाप्लास कॉज ए टी बराबर पी अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा, यदि कुछ भी ना समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उसे मैं सॉल्यूशन के रूप में आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।